हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ये रिमोट कंट्रोल ड्रोन। आप देख सकते हैं इसका बॉक्स है यहाँ पे मेरे पास, और आज हम इसी की अनबॉक्सिंग और इसके टेस्ट करने वाले हैं कि ये कितना अच्छा फ्लाइंग करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये चीपेस्ट ड्रोन है जो कि मार्केट में अवेलेबल, ये सिर्फ 1780 रुपये का अमेजोन से मिलता है। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले देखते हैं कि बॉक्स पर क्या लिखा हुआ है। इधर की साइड हमें ड्रोन रखा हुआ मिल जाता है, और इधर लिखा हुआ हेडलेस मोड, वन की रिटर्न, 14 प्लस एज इसके लिए सूटेबल है। इसका नाम इन्होंने दिया हुआ है HX750 ड्रोन, 6 चैनल रिमोट कंट्रोल क्वाड कॉप्टर। और पीछे की तरफ देखें तो ड्रोन की हमें ही पिक्चर बनाई हुई है, काफ़ी हाईटेक ये ड्रोन लग रहा है देखने में। तो चलिए जल्दी से इसके बॉक्स को करते हैं ओपन। ओके, तो बॉक्स में देखते हैं हमें सबसे पहले क्या रखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक रिमोट कंट्रोल, आप देख सकते हैं। इसके साथ हमें दो प्रोपेलर भी दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर ड्रोन के प्रोपेलर फ्लाइंग करते टाइम टूट जाते हैं तो हम इनको चेंज कर सकते हैं। और साथ में चार्जिंग केबल दी हुई है, और एक यूज़र मैनुअल दी हुई है, काफ़ी बड़ी इन्होंने यूज़र मैनुअल दी हुई है। तो इनको रखते हैं साइड में और आते हैं अपने मेन ड्रोन को, जल्दी से निकालते हैं इसको बाहर। तो गाइज़ यहाँ पर हमें अपना ड्रोन रखा हुआ मिल जाता है, इसको जल्दी से निकाल लेते हैं बाहर। तो गाइज आप देख सकते हैं ड्रोन कुछ इस हिसाब से है, और ये काफ़ी लाइट वेट है। इसका वेट सिर्फ 150-200 ग्राम है, और आप देख सकते हैं ये हमें वाइट और रेड कलर की कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्वाड कॉप्टर, और हमें यहाँ पे 4 प्रोपेलर मिलते हैं, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए ये 4 स्टैंड दिए हुए हैं हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो जो है दोस्तों, ये बीच वाला मिडल पार्ट है तो काफ़ी इन्होंने सॉलिड प्लास्टिक का बनाया हुआ है। प्रोपेलर भी ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये स्टैंड है, इनकी क्वालिटी मेन होती है, क्योंकि जब भी हम इनको फ्लाई करेंगे तो इस प्रोपेलर को सेफ्टी यही प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये भी इन्होंने काफ़ी फ्लेक्सीबल बनाए हुए हैं, तो फ्लाइंग करते टाइम अगर ये किसी से टकराते हैं तो ये आसानी से टूटेंगे नहीं। और नीचे से कुछ ये इस तरह का है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कैमरा बनाया हुआ है, लेकिन दोस्तों ये कैमरा काम नहीं करता, ये सिर्फ शो पीस के लिए दिया हुआ है। और दोस्तों खास बात ये है कि इसमें कोई ऑन ऑफ का हमें स्विच नहीं दिया हुआ है, और साथ ही साथ इधर की साइड हमें इसमें लिथियम आयन की बैटरी दी हुई है, जो कि डिटैचेबल नहीं है, यानी कि हम इस लिथियम आयन की बैटरी को बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमें पता नहीं है कि कितने मिली एम्पियर की बैटरी है, लेकिन अमेज़न के प्रोडक्ट पेज पर लिखा हुआ था कि ये 40 मिनट लेता है फुल चार्ज होने में। अब इसको फ्लाई करेंगे तो देखते हैं कि एक चार्ज में कितने मिनट फ्लाई कर पाता है। तो गाइज अगर इसके रिमोट कंट्रोल की बात करें तो ये वाइट और ऑरेंज कॉम्बिनेशन के साथ हमें रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है। इधर इसमें 3 बैटरीज इंस्टॉल होती हैं। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इन्होंने बनाई हुई, काफ़ी सॉलिड बनाया हुआ है, और हाथ में भी अच्छा खासा फिट होता है। इधर हमें 2 थ्रॉटल दिए हुए हैं, ये वाला थ्रॉटल तो ड्रोन को ऊपर और नीचे फ्लाई करने में हेल्प करता है, साथ ही इसको लेफ्ट और राइट टर्न करेंगे तो ड्रोन भी लेफ्ट और राइट टर्न कुछ इस ऐसे और इस हिसाब से होगा। और ये ड्रोन को आगे ले जाने के लिए, ये वाला पीछे ले जाने के लिए है, और ये लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए है। इधर हमें ऑन और ऑफ का बटन दिया हुआ है, इधर लाइट दी हुई है, और इधर कुछ बटन दिए हुए हैं जिनको हम जब फ्लाई करेंगे, जब ट्राई करेंगे कि क्या है ये। और इधर आप देख सकते हैं ये वाला बटन तो सिर्फ शो पीस के लिए है, इधर एक बटन दिया हुआ है। मैंने इसकी यूज़र मैनुअल पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि ये स्पीड के लिए है, और जो ये वाला बटन है ये को स्टंट कराता है, यानी कि जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो हमारे ड्रोन है 360 डिग्री फ्लिप करेगा कुछ इस हिसाब से ऐसे, तो जब फ्लाई करेंगे जब देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इन केबल्स को कनेक्ट करते हैं जिससे कि हमारा ड्रोन ऑन हो पाएगा, और देखते हैं कि इसमें किस हिसाब से लाइट जलती है। ओके, तो हमने इन केबल को कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 4 लाइटें दी हुई हैं, और काफ़ी अच्छी इन्होंने लाइट दी हुई है, काफ़ी अच्छी ब्लिंक करी है, रेड और ब्लू हमें लाइट दी हुई है। तो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट इन्होंने बनाया हुआ है। अब जल्दी से इसमें बैटरीज इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस इसमें मैंने इधर की साइड बैटरीज इंस्टॉल कर लेती हैं, अब इसको करते हैं ऑन। आप देख सकते हैं इसके प्रोपेलर काफ़ी अच्छी स्पीड से वर्क कर रहे हैं। तो गाइज एक काम करते हैं, इसको फ्लोर पर रख के फिर फ्लाई करते हैं। इसको हम मेनली इंडोर ही फ्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ये ड्रोन इंडोर के लिए ही है, और इसकी रेंज सिर्फ 20 मीटर से है, फ्लाइंग रेंज इसकी 20 मीटर है। तो हम इसको इंडोर में फ्लाई करेंगे और इसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, और साथ ही साथ जो इसका मेन फंक्शन है स्टंट करने का, उसको भी ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं फ्लोर की ओर।
तो गाइस देखा आपने ये ड्रोन कितना अमेजिंग वर्क करता है। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ये सिर्फ 1780 रुपए का ड्रोन है और ये इतना अच्छा फ्लाई करता है। दोस्तों जो ये ड्रोन है ये सिर्फ मेनली इंडोर में फ्लाई करने के लिए बना हुआ है और जब भी हम इसको इंडोर पे फ्लाई करते हैं तो ये कई बार कई चीज़ों से टकरा जाता है, जैसे वॉल या डोर से, लेकिन ये फिर भी नहीं टूटा। जब मैंने इसको इंडोर में फ्लाई करा तो कई बार तो ये ऊपर से नीचे गिर भी गया और कई बार ये कई चीज़ों से टकराया भी, लेकिन जो इसके हमें ये प्रोटेक्शन के लिए स्टैंड दिए हुए हैं प्रोपेलर्स के लिए काफ़ी अमेजिंग वर्क करते हैं। इन्होंने फ्लेक्सिबल बनाए हुए हैं जिससे कि ये ड्रोन गिरता है तो ये ईजिली से टूटता भी नहीं। और दोस्तों दूसरी बात जो इसकी सबसे बड़ी खास ये लगी कि ये काफ़ी स्टेबल रहता है इंडोर में, किसी भी ड्रोन को फ्लाई करने के लिए उसको स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी। और दोस्तों तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी खास बात मुझे लगी है वो है इसका स्टंट करना। जब भी ये 360 डिग्री रिवॉल्व स्टंट करता है तो पूरा 360 डिग्री ऐसे रिवॉल्व कर जाता है बिल्कुल एक झटके में, और उसके बाद भी ये काफ़ी स्टेबल रहता है, इधर उधर नहीं भागता। इस ड्रोन को बाय करना चाहते हैं और अगर आप सबसे चीपेस्ट ऑप्शन देख रहे हैं ड्रोन का तो मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर बाय करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।